शिवराज के बयानों ने उड़ाई मोहन यादव की नींद, वनवास होगा खत्म, बनेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मोहन राज के आगाज को अब 20 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सूबे में सरकार की कमान मोहन यादव को सौंपे जाने के बाद शिवराज कभी खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आते हैं, तो कभी लाडली बहनों के बीच। अब वो अपने बयान और नए सरकारी आवास को लेकर चर्चा में हैं। शिवराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाने को लेकर बयान दिया है। जी हां, दरअसल उन्होंने कहा है कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, और ऐसा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होता है, कोई बड़ा उद्देश्य होगा। शिवराज ने यह भी जोड़ा कि मेरी जिंदगी बहन बेटियों और जनता जनार्दन के लिए है, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, दिन रात काम करूंगा। उन्होंने सीएम हाउस छोड़ने के बाद अपने आवास का पता भी बताया और यह भी कहा कि उसका नाम रख दिया है मामा का घर। अब आपको बता दें कि शिवराज के जमाने से दिखने वाले बयान ने कि अपने निहितार्थ हैं, इसमें कसक है तो भविष्य की उम्मीद भी, जनसेवा का संकल्प है तो मामा वाली इमेज को सहेजने का रोड मैप भी। शिवराज कभी मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने की बात करते हैं, तो अब राज तिलक से पहले वनवास, बड़ा उद्देश्य की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज के मन में क्या है, उनके बयान और आवाज का नाम किस बात का संकेत है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं शिवराज के इस बयान पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।